बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक प्लाईवुड फैक्ट्री के मुनीम से बाइक सवार दो लुटेरे 6 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए, जिसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस घटना की छानबीन में जुटी हुई है। दरअसल घटना बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के नरियावल इलाके की है, जहां के रहने वाले गिरीश शर्मा बिथरी चैनपुर में एक प्लाईवुड फैक्ट्री में मुनीम का काम करते हैं। आज सुबह जब वह दो बैग में 7 लाख रुपए कैश लेकर नरियावल स्थित अपनी फैक्ट्री के लिए जा रहे थे, इस दौरान पीछे से आए बाइक सवार दो लुटेरों ने तमंचे के बल पर मुनीम से कैश से भरा एक बैग लूट लिया और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़ित के पास बाइक में टंगा एक बैग बच गया, जिसमें 1 लाख रुपए अलग रखे थे। इस दौरान घटना की खबर क्षेत्रवासियों को लगने पर हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है, जिसमें पुलिस रास्ते में लगे सीसीटीवी की फुटेज तलाश रही है। वहीं लूट के बाद पीड़ित मुनीम गिरीश शर्मा ने बताया कि वह रोजाना की तरह आज भी कैश लेकर फैक्ट्री जा रहे थे, जिससे लकड़ी ठेकेदारों का उसे भुगतान करना था। मुनीम ने बताया कि उसके पास कुल 7 लाख रुपए का कैश दो बैगों में रखा हुआ था, जिनमें से 1 लाख रुपए वाला बैग बाइक पर टंगा था, जबकि 6 लाख रुपए वाला बैग उसकी पीठ पर टंगा था, जिसे आरोपी लूट कर फरार हो गए। पीछे से आए थे यार, उन्होंने बराबर में गाड़ी, आप नरियावल की तरफ से इधर जा रहे थे, ठीक है, पेमेंट करने, ठीक है, उन्होंने यहीं पर आके मेरे बिल्कुल बराबर में गाड़ी लगा दी, बैग छीनने की कोशिश कर, मैंने बैग पढ़ने की कोशिश की थी, उन्होंने फिर धक्का दे दिया, मतलब बाइक पे बाइक बैग छीन लिया, मैंने फिर मतलब बाइक उठाने की कोशिश की और स्टार्ट की मैंने, लेकिन स्टार्ट बाइक ओवर हो गई थी, फिर मैं मतलब तब तक वो निकल गई थी, मैं आगे तक गया था मंदिर तक, मतलब नहीं नहीं तो वो लोग भागे किधर को थे, किधर को बिथरी की तरफ, बिथरी की तरफ को भागे हैं और नरियावल की तरफ से आ रहे थे, आप भी नरियावल से ही आ रहे थे, आपके बैग में कितना रुपया था? मेरे पास 7 लाख रुपए था, जो जो उसमें दो बैग थे मेरे पास, एक बैग में 1 लाख अलग था और मतलब 6 लाख एक में एक था, 6 लाख वाला ब्लू कलर का बैग था, वो वाला ले लूँगा, 1 लाख वाला रह गया, 1 लाख वाला वो साइड मेरे गाड़ी में मतलब हैंडल में टंगा हुआ था, वो नहीं गया, वो छीन के ले गए, वो छीन के ले गए। क्या आप लोग, आपको कोई शक वगैरह किसी पे? शक वाली ऐसी कोई तो मेरे से नहीं हुआ, मतलब ठीक है। तो वो पैसा किसको देना था, आपको कहाँ से ला रहे थे? ठेकेदारों को पेमेंट करना था, वो फैक्ट्री का पैसा था और ठेकेदारों को देना है।